हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके ट्यूटोरियल एकेडमी। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है APTT टेस्ट। हमें ऑलरेडी पता है कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। अब APTT को हम जो है इसको शॉर्ट में कहते हैं। हमें पता है APTT एक हीमेटोलॉजी लैब टेस्ट है, जिस तरह PT एक हीमेटोलॉजी लैब टेस्ट थी, और PT हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। APTT टेस्ट जो है वो कोगुलेशन टेस्ट है, यानी कि इससे पता चलता है कि जो आपका ब्लड है वो क्लॉट बनने में कितना टाइम ले रहा है। मतलब हम टाइम जो है वो रिजल्ट में नोट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ब्लड वेसल अगर डैमेज हो रही है तो जो आपके प्रोटीन है ब्लड में वो आते हैं और उस जगह पे क्लॉट बना लेते हैं। तो उस क्लॉट फॉर्मेशन में कितना टाइम लग रहा है वो हमें APTT टेस्ट से कंफर्मेशन हो जाती है। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम यानी कि PTT एंड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है वो सेम फंक्शन होते हैं उन दोनों के, लेकिन इन APTT में एक्टिवेटर जो है वो एडिट करते हैं हम टू स्पीड अप द क्लॉटिंग टाइम एंड रिजल्ट इन अ नैरो रेफरेंस रेंज। हम बात करेंगे APTT का क्या लिंक होता है कोगुलेशन पाथवे में। कोगुलेशन फैक्टर्स फैक्टर नंबर 12, फैक्टर नंबर 11, फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 8, 10, 5 एंड 2 जो के लिंक करते हैं 1 हमारे इंट्रिंसिक पाथवे से। इंट्रिंसिक पाथवे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी हीमोस्टेसिस की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके जो वीडियोस यहाँ पे पॉप अप हो रही हैं इनको चेकआउट कर सकते हैं। PT टेस्ट एंड APTT टेस्ट का जो ऑटोमेटिक प्रोसीजर है वो सेम ही होता है। उसको भी हम स्ट्रिप्स के थ्रू जो है वो मशीन में लगाते हैं, और मशीन के साथ जो है वो पूरा मैनुअल आता है, उसको आप रीड करके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हर लैब्स में अलग अलग मशीन होती हैं, तो इस तरह से हम जो है वो प्रोसीजर डिफाइन नहीं कर सकते, जबकि मैनुअल मेथड जो है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले हमें 0.1 ml टेस्ट प्लाज्मा जो है, जो आपने सैंपल लिया है, उसको हमें दो ट्यूब में डालना होता है। उनको मार्क कर देना होता है टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 से, जैसे हमने PT टेस्ट में किया था। फिर उसमें आपको 0.1 ml जो कंट्रोल का आपका प्लाज्मा है उनको दो ट्यूब्स में डाल के उनको लेबल कर देना है कंट्रोल 1 एंड कंट्रोल 2 के नाम से। पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पर हमें डालना है 0.1 ml ऑफ APTT रिएजेंट जो कि हमारी फर्स्ट ट्यूब थी। फिर उसको हमें इंक्यूबेट कर देना है, इंक्यूबेट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसी टाइम हमें स्टॉपवॉच स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही रिएजेंट डालेंगे उसी टाइम इंक्यूबेट करना है हमें, और जो हमने टेस्ट को लेबल किया था टेस्ट ट्यूब को लेबल नंबर 2 पे, और उसको हमें 1 मिनट बाद करना है। थर्ड पॉइंट है हमारा, जब हमारा 3 मिनट हो जाए तो उसके बाद हमें करना है 0.1 ml ऐड करना है CaCl2 जो कि पहले से प्री वॉर्म्ड हो, और फिर उसके बाद हमें कर देनी है स्टॉपवॉच स्टार्ट। पॉइंट नंबर 4 है, उसके बाद हमें करना है मिक्स द ट्यूब जेंटली इन द वाटर बाथ फॉर 20 सेकेंड के लिए, उस ट्यूब को मिक्स करना है वाटर बाथ में, और फिर उसको निकाल के हमें ऑब्जर्व करना है उस ट्यूब को कि अगर क्लॉट बन गया है आपके ब्लड का या नहीं। उसको आप लाइट के अगेंस्ट भी जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसी तरह आपको 2 रीडिंग्स लेनी है। सेकेंड जो ट्यूब हमने बनाई थी उसको आप मेथड को दोबारा से कर सकते हैं, ताकि जो आपका मार्जिन ऑफ एरर है रिजल्ट का वो कम से कम हो सके। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रिटेशन एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इंटरप्रिटेशन में आपको जो रिजल्ट है उसको मैं जूम करके दिखाती हूँ। ओके, तो हमें फोकस करना है APTT टेस्ट पे। PT टेस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर लेगा। PT हमारे पास टेस्ट आया है 35 सेकेंड विच इज़ नॉर्मल, एंड कंट्रोल हमारा आया 34 सेकेंड विच इज़ ऑल्सो नॉर्मल। इसके अलावा ये BT और CT का भी यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है। नॉर्मली जो है ये स्क्रीनिंग टेस्ट सारे एक साथ ही पेशेंट को रिकमेंड किए जाते हैं बाय द डॉक्टर। नेक्स्ट है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि अगर आपका APTT टेस्ट जो है वो नॉर्मल नहीं आ रहा, उसकी वैल्यू इंक्रीज आ रही है, तो क्या कॉजेस हो सकती हैं। नंबर 1 इज़ DIC, एंड नंबर 2 इज़ हीमोफीलिया A एंड B, वॉन विलब्रेन डिजीज़,
लिवर डिजीज़, ये सारी डिजीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हीमोस्टेसिस की जो आपकी सीरीज है उसमें है ये। इसके अलावा मैसिव, जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं हम ब्लड का, किसी को ब्लड लगाते हैं तो उसके जैसे हमारा एपिडिटी टेस्ट नॉर्मल हो सकता है ना हो। इसके अलावा हम हेपेरिन अगर किसी को दे रहे हैं पेशेंट को तो उसमें भी एपिडिटी टेस्ट नॉर्मल नहीं आता। इसके अलावा फैक्टर नंबर 9, 11 और 12 की डेफिशिएंसी की वजह से एपिडिटी टेस्ट नॉर्मल नहीं होता। तो एपिडिटी टेस्ट आई होप आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन हो कोई भी पूछ सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।